स्टूडेंट्स ऑफ क्लास UKG, टुडे इज अ लवली डे। माई सेल्फ अंकिता सिंह राजपूत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम रेडियन पब्लिक स्कूल बक्सर। ड्यूरिंग कोरोना वायरस लॉकडाउन इन बिहार, आवर स्कूल स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर क्लास UKG सब्जेक्ट इंग्लिश। सो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश बुक वेव्स, अ टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में यानी कि व्हाट्सएप पे मैंने आपको सेंड कर दिया है लेसन 11, इज दिस और इज दैट, ये मैंने आपको सेंड किया था व्हाट्सएप पे, जिसे आप आई होप कि आप अच्छा से समझे होंगे। और मैंने आज आप लोग को बुक वर्क भी करवाया था, यानी कि यस्टरडे को मैंने बुक वर्क भी करवाया था पेज नंबर 32 का। और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी लेसन 12, व्हाट इज दिस और दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले CW, डेट है आपका 15/7/2020, लेसन 12, और लेसन 12 का नाम है व्हाट इज दिस, ऑब्लिक का ये साइन है, उसके बाद दैट क्वेश्चन मार्क, यानी कि यह क्या है और वह क्या है। ठीक है, लुक रीड एंड अंडरस्टैंड, देखिए, लुक मीन्स देखना, देखिए पढ़िए और समझिए। वी यूज़ दिस फॉर अ नियर बाई ऑब्जेक्ट, पास की वस्तुओं के लिए, सामने की चीज़ों के लिए हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं, दिस का उपयोग करते हैं। एंड दैट फॉर ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूर की वस्तुओं के लिए, दूर की चीज़ों के लिए हम लोग दैट का उपयोग करते हैं। ठीक है, दिस मीन्स होता है यह और दैट मीन्स होता है वह। देखिए यहाँ पे व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब यह क्या है। दिस इज अ वेस, यह एक फूलदान है। ठीक है, यह क्या है, तो यह एक फूलदान है। व्हाट इज दैट, वह क्या है, दूर की चीज़ों के लिए दैट का उपयोग करते हैं, तो इसमें बोल रहा है व्हाट इज दैट, वह क्या है। दैट इज अ बकेट, वह एक बाल्टी है। ठीक है, वह क्या है, एक तो बाल्टी है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क, यानी कि यह क्या है। दिस इज अ डॉग, यह एक कुत्ता है। व्हाट इज दैट, वह क्या है। दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। व्हाट इज दिस, यह क्या है। दिस इज अ शर्ट, यह एक कमीज है, शर्ट मीन्स कमीज। What is that, वह क्या है। That is a van, वह एक van है, वह एक बंद गाड़ी है, van means बंद गाड़ी। तो देखिए students, this का हम लोग उपयोग प्रयोग सामने के वस्तु के लिए, पास के चीज़ों के लिए करते हैं, और that का उपयोग हम लोग दूर की चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोग को लेसन 12 पढ़ाया है, आप लोग को ऐसे ही समझना है, सुनकर समझ कर, और अपने पेरेंट्स को भी बताना है कि आपने क्या सीखा और क्या समझा। सो थैंक यू माय स्टूडेंट्स वाचिंग माय इंग्लिश वीडियोस, एंड आल्सो हैव अ नाइस डे।